कुछ दिन पहले ही गोविंदपुर में हुए लूट कांड के मामले में आज बहुत बड़ा उद्भेदन हुआ। 4 लोग गिरफ्तार हो गए। जिले के गोविंदपुर थाना के क्षेत्र अंतर्गत गोरतोप्पा में बीते दिन लूट कांड की घटना का अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रशासन सशक्त नजर आ रही है और पैनी गिद्ध दृष्टि जो है इनके ऊपर जमाई हुई थी। इस संबंध में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वाले के सामने बताया कि गोरतप्पा में हुए लूटकांड मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटकांड में लूटा गया पल्सर मोटरसाइकिल एवं घटना में मोबाइल फोन बरामद किया गया। अपराधी के नाम इस प्रकार है: मोहम्मद बबलू अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी, मोहम्मद वाहिद अंसारी और संदीप पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा अन्य अपराध की छापेमारी तथा अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसएसपी साहब का कहना है, अपराध को पकड़ लेना अपराध खत्म नहीं हो सकता है। अपराध को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी मानसिकता को बदलनी होगी, समाज में सुधार लाना होगा, माँ बाप को अपने बच्चे पे निगरानी रखना होगा, तभी जा कर के अपराध को हम कम कर सकते हैं। और साथ में प्रशासन को सहयोग चाहिए जनता का। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन पॉल के साथ। वादी टिंकू कुमार बावरी द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ एक लूट की घटना को कुछ अपराधकर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। इस संबंध में गोविंदपुर थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार गोविंदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा इस घटना में शामिल अपराधकर्मियों के बारे में पता लगाया गया तथा अग्रतर कार्रवाई की गई। अनुसंधान के क्रम में कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता इसमें सामने आई थी। जब उन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया और तकनीकी साक्ष्य कलेक्ट किए गए, तकनीकी साक्ष्य और कन्फेशन के आधार पर उन व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई है। उन व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है तथा इस घटना में वादी से जो लूटी हुई मोटरसाइकिल इन अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद की गई है। इसके अलावा इस कांड के अनुसंधान के क्रम में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 3 व्यक्ति गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तथा 1 व्यक्ति बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अभी इस कांड में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कोई गिरोह एक तरह से कोई गिरोह नहीं है, ये किसी एक दिन इन्होंने प्लान बनाया, उसके अनुसार इन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले से ये लोग जो अभी तक गिरफ्तार हुए इनके विरुद्ध में कोई कांड दर्ज नहीं है, आपराधिक मामला नहीं है। अभी तक जो गिरफ्तार हुए उनके विरुद्ध में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अच्छा सर, जिन लोगों के साथ में और लोगों के सामने बातें आ रही, कितने लोगों की संख्या है उसमें? वो हम अभी ऐसा नहीं बता सकते, पर अन्य लोग भी इसमें, वो अनुसंधान का पार्ट है। वो छिनतई क्यों हुई, क्या हुआ, वो अनुसंधान का पार्ट है। उसके बारे में कुछ बताते हैं। वादी जब रात में कहीं से बाहर से आ रहा था, उसके पास कुछ पैसे थे जिसमें उसके साथ के कुछ लोगों ने उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी का बैकग्राउंड मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई बहुत ज्यादा बीटेक किए हुए छात्र हैं। तो अच्छा, वो अनुसंधान का पार्ट है जिसमें जिन लोगों ने भी बताया कि अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, जिन लोगों ने भी इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले या इनका अभी तक मोबाइल हमें बरामद नहीं हुआ है, तो उसके अनुसंधान के क्रम में वो मोबाइल तथा जिसने पैसे निकाले उन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो मेन तक कौन ये है कि ये लोग अपराध में पहली बार प्रवेश ही किया है। हाँ, हम लोग क्यों ये लोग अपराध में आ रहे हैं? नहीं, वो अनुसंधान का पार्ट है कि क्या कहानी है इसके पीछे की। कैसा फैमिली से है? ये नॉर्मल फैमिली से है। नॉर्मल मोबाइल जब तुम अकेले लोगों के पास, ये एक्चुअली जो घटना में इनके मोबाइल उन्होंने प्रयोग किए गए थे जिसके तहत प्लानिंग करके इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, वो मोबाइल घटना में जो प्रयोग किए थे वो हमने जब बरामद किए तथा घटना में जो मोटरसाइकिल इन दोनों के द्वारा पीछा करने के लिए या घटना को अंजाम देने के लिए काम में ली गई थी उसको भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि घटना में जो लूटी हुई मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है। अच्छा, वो ऐसा आदमी है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, वो फरार है जिनके घर से बरामद हुई है। पैसे
पैसे की बरामदगी कुछ हुई है सर? नहीं, पैसे की बरामदगी नहीं हुई। देख रहे हैं सब पर नजर।